बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अली रजा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेन एकेडमी। मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो देखने वाले आप तमाम व्यूवर्स, तमाम स्टूडेंट खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और खैरियत से रखे, ये मेरी दिल से दुआ है आप तमाम व्यूवर्स, तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो कन्फ्यूज़ हैं, परेशान हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारी असाइनमेंट हैं वो सबमिट हो चुकी हैं, ट्यूटर को मिल चुकी हैं, नहीं मिली। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़रा भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आज की शॉर्ट सी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपनी असाइनमेंट अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से सबमिट कर देते हैं, लेकिन क्या है कि वो ट्यूटर तक नहीं पहुँचती, आपकी असाइनमेंट जमा नहीं हो पाती, फिर क्या है कि यूनिवर्सिटी आपको फेल कर देती है। तो यूनिवर्सिटी का इसमें कोई भी कसूर नहीं है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से ऐसा काम होता है। तो वो मिस्टेक आप किस तरह से चेक करेंगे, आपने वो मिस्टेक की है या नहीं की, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और आप ये भी जान सकेंगे कि आपकी असाइनमेंट सबमिट हुई है या नहीं हुई, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो खैर, तमाम व्यूवर्स, तमाम स्टूडेंट्स ये भी जानते हैं कि जैसे भी कोई भी अपडेट आती है तो फौरन से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को एक वीडियो के जरिए मैसेज दे देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पहले से कोशिश रही है आप तमाम व्यूवर्स, तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प करने की, और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं और मुझसे जितना हुआ मैं आप तमाम व्यूवर्स, तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प करता रहूंगा। तो खैर, तमाम स्टूडेंट वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को काइंडली एक छोटा सा लाइक जरूर करें, यह मेरा रिवार्ड है, इससे मुझे हौसला अफजाई होगी और ये इन्फॉर्मेशन, ये शेयरिंग इसी तरह मैं आपके साथ जारी रखूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में खड़ी घंटे को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे करें, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख। और जिन मेरी बहनों, भाइयों, स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू वेरी मच, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बंडल ऑफ थैंक्स अगेंस्ट थैंक्स। तो काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं बार बार मुझे कमेंट भी कर रहे थे, परेशानी ये मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, सर हमें बताएं कि हमारी असाइनमेंट जो है वो सबमिट हुई है नहीं हुई, मतलब कि हमने अपनी तरफ से सबमिट कर दी है, अब ट्यूटर को मिली है नहीं मिली है और वो हमारे मार्क्स कब तक लगा देगा। काफी सारे जो अलग अलग से आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरा भी परेशान ना हो, अगर आपने असाइनमेंट्स अपनी बना ली है तो फिर भी अच्छी बात है। इसके साथ मैं स्टूडेंट्स आपको ये बता दूं, अगर अभी तक आपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई तो असाइनमेंट लास्ट डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो अपलोड की है, इस वीडियो के अंदर वो सारी चीजें बताना शुरू कर दूं तो वीडियो काफी सारी लॉन्ग हो जाएगी, तो सिंपलीफाई मैं करना चाहूंगा। वो वीडियो मैंने 2 से 3 दिन पहले अपलोड की है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, उसके अंदर एक आपके लिए गुड न्यूज भी है, वो भी मैंने उस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की है असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी बात कर लेते हैं जो आपकी असाइनमेंट है वो आपने ऑनलाइन किस तरह से चेक करनी है कि आपकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट हुई है या नहीं हुई। और मैट्रिक, इंटरमीडिएट, एफए, आईकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं, बीए, बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं, इनको मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं उन तलबा को बताने वाला हूं जो एलएमएस के ऊपर अपनी असाइनमेंट जो है वो जमा करवाते हैं। तो आप तमाम व्यूवर्स, तमाम स्टूडेंट जो है जो एलएमएस के ऊपर अपनी असाइनमेंट जमा करवा रहे हैं, मैंने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, एफए, आईकॉम को, बीए, बीकॉम को अलग क्यों किया है, क्योंकि ये एलएमएस के ऊपर जमा नहीं करवाते, और कुछ और भी प्रोग्राम है जो एलएमएस के ऊपर जमा नहीं करवा रहे। जो स्टूडेंट्स एलएमएस के ऊपर जमा करवाते हैं तो सबसे पहले अपने उन्होंने अपने एलएमएस अकाउंट को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद आगे आपने अपनी असाइनमेंट जो कोर्स कोड है उन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आगे आपको ऑप्शन आएगा 1 असाइनमेंट और 2nd असाइनमेंट, मतलब कि पहली और दूसरी असाइनमेंट का आपको ऑप्शन देगा, उस पर आपने क्लिक करना है। आगे जो है अगर आपको नजर आ रहा है मतलब कि सबमिटिंग का, तो आपकी सबमिट हो चुकी है, सबमिट नीचे ग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, तो मतलब कि आपके ग्रेड अभी लगने वाले हैं, लेकिन अगर वहां पे ग्रेड शो नहीं हो रहे थे। दूसरा नंबर मैं आपको बता दूं कि अगर वहां पे ड्राफ्ट, मतलब कि आपकी सबमिट ड्राफ्ट में चली गई है, तो वहां पे ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो फिर आपने उधर ड्राफ्ट से आपने उसको सबमिटिंग, सबमिट का जो बटन है वहां पर आपने क्लिक करना है और उस असाइनमेंट को जल्द से जल्द आपने सबमिट कर देना है। जी हां बिल्कुल, वक्त से पहले आप जो है वो सबमिट वहां पे कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे ऑप्शन इस तरह का ना हो, फिर आप सबमिट ना कर पाए तो आपकी वो ड्राफ्ट में पड़ी रहे, ड्राफ्ट में पड़ी रहने असाइनमेंट का हमें कोई भी फायदा, कोई बेनिफिट नहीं है। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं और अपनी असाइनमेंट वहां से सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैट्रिक, इंटरमीडिएट, एफए, आईकॉम, बीए, बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं, इन तलबा को मैं एक अलग से वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इन तलबा ने अपनी असाइनमेंट किस तरह से चेक करनी है, कि इनकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट, मतलब कि ट्यूटर को मिली है नहीं मिली है, और रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जल्द एक वीडियो के जरिए मैसेज दे दूंगा। अभी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कीजिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत, थैंक यू, अल्लाह।